अली की एज 5 है और सित्रा की एज अली की एज की ट्वाइस है, मीन 10 साल है। अगर अली 11 साल का हो गया तो उस टाइम पर सित्रा की एज कितनी होंगी? तो देखिए, अली जो है वो कितने साल का था? 5 साल का था। जब वो 11 का हो गया, इट्स मीन यहाँ पर डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बिलाल अहमद एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आई मेड दिस वीडियो फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स 154। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 15 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को किसी भी पॉइंट से स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज लाहौर इज टू पंजाब इज कराची इज टू। तो स्टूडेंट्स, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लाहौर जो है ये कैपिटल सिटी है पंजाब की। सो अगर हम कराची की बात करें, सो कराची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध। सेम लाइक दैट, इससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह होगा, इफ़ पिशावर इज़ टू कैपी के देन क्वेटा इज़ टू। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है और क्वेटा के लिए आपने करेक्ट ऑप्शन बलोचिस्तान को चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर टू इज कम्प्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सो वी आर गिवन अ सीरीज विच इज़ इनकम्प्लीट एंड वी हैव टू कम्प्लीट इट विद द सूटेबल आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना होता है जो हमें सीरीज दिया गया है, क्या इसमें एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है या फिर डिविजन हो रही है। सो हेयर इफ़ यू फोकस, सो वी आर गोइंग फ्राम लार्जर नंबर टूवर्ड्स स्मॉलर नंबर, सो इट्स मीन दैट हेयर इज़ द फिनोमिना ऑफ सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों ने 66 में जब 3 माइनस किया तो आ गया रिजल्ट 63। फिर 63 में 6 माइनस किया तो रिजल्ट आ गया 57। फिर 57 में 12 माइनस किया तो आ गया 45। तो देखिए, पहले 3 माइनस हुआ, देन 6 माइनस हुआ, देन 12 माइनस हुआ, यानी वो नंबर जो सब्सट्रैक्ट हुआ था इसको हमने डबल करना है, फिर हमने आगे वाले डिजिट से इसको माइनस करना है। तो देखिए, यहाँ तक 12 माइनस हुआ था, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 12 बाई 2, सो द रिजल्ट विल बी 24 एंड द रूल इज़ दैट वी हैव टू माइनस इट फ्रॉम 45। जब हम 45 में से 24 को माइनस करेंगे, सो द आंसर विल बी 21। एक्सक्यूज नंबर 3 इज कम्प्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अगेन एक सीरीज दिया गया है एंड इन दिस सीरीज सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज हैपन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द रिजल्ट विल बी 51। सेम लाइक दैट, इफ वी मल्टीप्लाई 19 विद 3, सो द आंसर विल बी 57। एमसीक्यूज नंबर 4 इज राइट नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, कंप्लीट द सीरीज और राइट नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, दीज ऑल आर द सेम थिंग्स। एंड अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करो, सो हेयर सिंपल डिविजन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डिवाइड 62 बाई 2, सो द रिजल्ट विल बी 31 एंड इफ यू डिवाइड 34 बाई 2, सो द रिजल्ट विल बी 17। Same like that, we have to divide 20 over 2, so the answer will be 10. Question number 5 is complete the following series. So students, if we focus here, so हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, so it's mean यहाँ पर हो रही है addition. First of all, अगर आप first number पर focus करो, so here 2 is added and the result is 5. After that, we have to add 3. And the result is 8. After 8, we have to add 4, and the result is 12. And after 12, if we add 5, so the result will be 17. So here, if we focus, first of all, if we add 2, then 3, then 4, then 5. So after 5, we have to add 6. And if we add 6 with 17, so the answer will be 23. Excuse number 6 is complete the following series, 40, 35, 25, 20 and 15. So if we focus on this number and this number, so we are going from large number towards small number, it's mean yahan par ho rahi hai subtraction.
अब फिनोमिना कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट नंबर पर फोकस करो तो 40 में जब हम 5 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 35। फिर 35 में जब हम 10 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 25। फिर 25 में अगेन 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। अब जब हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। एमसीक्यू नंबर 7 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंट सीरीज आ गया है और ये हमारे पास है अल्फाबेटिकल सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फोकस करो तो ए के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट मिस हुआ है और वो है बी। बी के बाद लिखा गया है सी, सी के बाद डी और ई को मिस करके आगे लिखा गया है एफ। एफ के बाद आ जाता है जी एच आई। तो देखिए, पहले 1 को मिस किया, देन 2 को मिस किया, देन 3 को मिस किया, तो आगे लिख दिया जे। अब जे के बाद जब हम 4 अल्फाबेट्स को मिस करेंगे जो हमारे पास है के एल एम एन, सो द रिज़ल्ट विल बी ओ। ओ के बाद हमने मज़ीद कितने मिस करने हैं? 5 को। तो ओ के बाद आप लोग गिनो, ओ पी क्यू आर एस टी। तो देखिए टी मिस हो गया, सो द आंसर विल बी यू। मैंने क्या कहा? देखिए ए और सी के दरमियान बी को मिस किया गया, सी और एफ़ के दरमियान डी और ई को मिस किया गया, एफ के बाद जी एच आई को मिस किया गया, जे के बाद के एल एम एन को मिस किया गया, और इसके बाद जब हम 5 को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ओ। नंबर 8 इज़ कम्प्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सो स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 था, सो सेम लाइक दैट ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एमसीक्यू नंबर 9 इज इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन एस इज कोडेड एज। सो हमें फेस का कोड दिया गया है विच इज 6135 एंड द कोड ऑफ एस इज अननोन। सो यहाँ पर क्या किया गया है? फेस का सिर्फ और सिर्फ एफ कट किया गया है। सो एस में हम करेंगे क्या? इस सिक्स को हम कट करेंगे, सो द आंसर विल बी 135। एक्सक्यूज नंबर 10 इज इफ 4th डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन 19th डे विल बी। सो हेयर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक ये है, देखिए 4th डे क्या है? वो फ्राइडे है। अब आप 4 में क्या करें? 7 को ऐड करें, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो 11th डे को अगेन आ जाएगा फ्राइडे। अगेन इस 11 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 को अगेन फ्राइडे है और हमसे पूछा गया है कि 19 को कौन सा डे होगा। तो जब 18 को फ्राइडे हो गया तो 19 को ऑटोमेटिकली हो जाएगा सैटरडे। नंबर 11 इज इफ यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो। यस्टरडे मीन गुजरा हुआ दिन एंड टुमारो मीन आने वाला दिन। अगर यस्टरडे हमारा था मंडे, टुडे हमारा हो जाएगा ट्यूसडे, टुमारो हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। देखिए स्टूडेंट्स, यस्टरडे क्या था? वो था मंडे, टुडे हो जाएगा ट्यूसडे, टुमारो हो जाएगा वेडनेसडे, एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 12 इज अलीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अलीज एज। कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली इज 11। अली की एज 5 है और सिद्रा की एज अली की एज की ट्वाइस है, मीन 10 साल है। अगर अली 11 साल का हो गया तो उस टाइम पर सिद्रा की एज कितनी होंगी? तो देखिए, अली जो है वो कितने साल का था? 5 साल का था। जब वो 11 का हो गया, इट्स मीन यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? वो 6 ईयर्स का आ रहा है। सो हम सिंपली करेंगे क्या? सिद्रा की एज में 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि अगर अली की एज 11 हो गई तो सिद्रा की 22 हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। जब अली की एज 11 होंगी तो सिद्रा की कितनी होंगी? 16 होंगी, क्योंकि वो अली से कितनी बड़ी है? उसकी एज की ट्वाइस है। एक्सक्यूज नंबर 13 इज बॉय इज 3 ईयर्स ओल्ड हिज सिस्टर इज 3 टाइम ओल्डर देन हिम। बॉय 3 साल का है और उसकी बहन उससे 3 गुना बड़ी है, यानी वो 9 साल की है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11 ईयर ओल्ड। अगर वो बच्चा 11 साल का हुआ तो उसकी बहन की एज कितनी होंगी?
तो हम करेंगे क्या, इनकी एज के दरमियान डिफरेंस को फाइंड करेंगे। और जब हम 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और जब हम इस 6 को 11 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। यानी अगर वो बच्चा 11 का है तो उसकी बहन 17 की होंगी। नंबर 14 इज इफ ह्यूमन इज टू नेस्ट देन बर्ड इज टू। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अपोजिट रिलेशन बताया गया है। वैसे तो ह्यूमन होते हैं होम में और नेस्ट में होते हैं बर्ड्स, बट हेयर द फिनोमिना इज अपोजिट। इफ ह्यूमन इज टू नेस्ट देन बर्ड इज टू होम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 15 इज इफ हेलमेट इज टू फुट देन शूज इज टू। नॉर्मली हम करते क्या है, हेलमेट को हम पहनते हैं हेड में, बट हेयर अगेन हमारे पास एक एंटोनिम या हम कह सकते हैं अपोजिट कंडीशन दिया गया है। तो जब हेलमेट फुट में होगा तो शूज ऑटोमेटिकली होंगे हेड में। स्टूडेंट्स, PMA 154 टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये कुछ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के इंपॉर्टेंट MCQs थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।